हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वास्तिक एजुकेशन कैंपस। वी आर गोइंग टू स्टैंडर्ड टू, सब्जेक्ट इंग्लिश पार्ट वन। पार्ट वन हम किस में पढ़ें? टेक्स्ट बुक में। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वीडियो मेरी टेक्स्ट बुक की है और कौन सी वर्क बुक की है। ओके, हमारा यूनिट वन कम्प्लीट हो गया है। यूनिट वन में मैंने सारे आपके टेक्स्ट बुक के और वर्क बुक दोनों कम्प्लीट करवा दिए हैं। तो आपको भी टेक्स्ट बुक वर्कबुक पूरी तरीके से कंप्लीट करके रखनी है। ओके, तो आज देखते हैं हम यूनिट टू, इसमें पढ़ रहे हैं हम टेक्स्ट बुक में। चलिए देखते हैं, लिसन एंड रिसीट दिस पोयम। यहाँ पर आपको सुनना है और समझ के क्या करना है, खुद भी बोलना सीखना है। ओके, आज हम एक छोटी सी पोयम पढ़ने वाले हैं। आई एम लकी, मैं क्या हूँ? लकी हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर कौन कौन क्या क्या कह रहा है कि हम कैसे लकी हैं और क्यों लकी हैं। तो चलिए देखते हैं। इफ, यदि आई वेयर अ बटरफ्लाई, मैं क्या होता? बटरफ्लाई होता। बटरफ्लाई मीन्स तितली। यहाँ पर देखिए ये सारे आपके होमवर्क्स रहेंगे। आपको क्या करना है, ये स्पेलिंग को लिखना है कितने कितने टाइम, टू टू टाइम, और लर्न करना है। ओके, आई वुड बी थैंकफुल, मैं आभारी रहूँगा, फॉर माई विंग्स, किसके लिए? अपने विंग्स के लिए। मतलब विंग्स मीन्स क्या होते हैं? पंख। क्या होते हैं? पंख। मैं किसके लिए आभारी रहूँगा? अपने पंखों के लिए। इफ, यदि आई वेयर अ मैना इन अ ट्री, मैं क्या रहूँ? एक मैना रहूँ जो ट्री में बैठा हुआ होता है ना, ट्री का एक मैना हूँ। आई वुड बी थैंकफुल, मैं आभारी रहूँगा, दैट आई कुड सिंग, किसके लिए? क्योंकि मैं गाना गा सकता हूँ, है ना। जो मैना होती है, मैने के आप बोलते हो ना कू कू करके, मैना जो होती है वो गाना गाती है, कोयल कू कू करती है। तो वैसे ही वो क्या कह रही है कि मैं पेड़ पर बैठी एक मैना होती और मैं उसके लिए आभारी हूँ क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ, एक अच्छा गाना गा सकती हूँ, है ना। इफ, यदि आई वेयर अ फिश इन द सी, मैं क्या रहती? एक मछली रहती। किसमें? समुद्र की एक मछली, समुद्र में एक मछली रहती। आई वुड बी थैंकफुल, मैं आभारी रहूँगी, है ना, रहूँगी या रहूँगा, दैट आई कैन wriggle and से giggle with gill। जो मछली होती है, फिश होती है, उसकी वो क्या करती है, अपनी गिल से क्या कर सकती है, हंस सकती है, ऐसा वो उसके लिए क्या रहती, आभारी रहती है। ठीक है, सो इसलिए आई जस्ट थिंक आई एम लकी, इसलिए मैं क्या समझती हूँ कि मैं लकी हूँ, टू बी मी, मैं, नॉट यू बट मी, और तुम नहीं। If I wear an elephant, यदि मैं क्या होता है, एक elephant होता, means हाथी। तो देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या बोला butterfly ने, क्या बोला कि मैं आभारी हूँ किसके लिए, अपनी पंखों के लिए। हम तितली को क्यों पसंद करते हैं कि उसके जो wings होते हैं, उसकी जो पंख होती है वो colorful होती है, जिसको देखने से हमको क्या लगता है, अच्छा लगता है। और वो इसलिए आभारी है क्योंकि वो उस पंखों के द्वारा ही उड़ सकती है, एक जगह से दूसरे जगह पे वो जा सकती है। फिर मैना कहती है कि मैं भी आभारी रहूँगा क्योंकि मैं क्या कर सकती, पेड़ पर बैठ के क्या कर सकती हूँ, गाना गा सकती है। मैना इसलिए पृथ्वी प्रकृति को आभार व्यक्त करती है कि मैं एक मैना होती और मैं गाना गा सकती। ठीक है, फिर फिश बोल रही है, मैं समुद्र की एक फिश होती, समुद्र में एक बड़ी फिश होती, तो उसके लिए मैं थैंकफुल होती, आभारी होती कि मैं व्रिगल एंड गिगल विथ गिल, है ना। तो वो अपने गिल से ही वो, उसका जो गिल होता है उससे वो सांसें लेती है, उसी से वो हंसती है, उसी से वो क्या कर सकती है, पानी में मस्ती कर सकती है, बुलबुले निकाल सकती है। ये देखो फिश निकाल रही है ना, तो इसके लिए वो क्या होती, आभारी होती। सो आई जस्ट थिंक, इसलिए वो सोचती है कि आई एम अ लकी, मैं क्या हूँ, लकी हूँ। कौन कौन? बटरफ्लाई, मैना और फिश। सोचते हैं कि अगर हम ये तीनों होते तो मैं अपने आप में बहुत लकी, टू बी मी, मैं।
Not you too. Not you but me. Not नहीं, you तुम, but तुम नहीं, है ना? If I wear an elephant, यदि मैं क्या होता, एक elephant होता, क्या? हाथी. आगे देखते हैं. I would be thankful. मैं आभारी रहूँगा. That I can raise my trunk. मैं अपनी सूंड को क्या कर सकता हूँ? उठा सकता हूँ. बहुत ऊंचाई से वो क्या कर सकते हैं? अपने सूंड को क्या करता है? उठाता है, ऊपर नीचे कर सकता है. इसीलिए अगर मैं एलिफेंट होता तो मैं अपनी सूंड के लिए क्या होता? आभारी होता. If I were a kangaroo, यदि मैं कंगारू होता, I would try to hop, और मैं क्या करता? कूदने की कोशिश करता, है ना? कंगारू क्या कर रहा है? अगर मैं कंगारू होता तो कूदने की कोशिश करता. Right up to the moon, कहाँ? Moon में jump करने की मैं कोशिश करता. तो यही ये पोएम में बताया जा रहा है कि कौन से एनिमल्स किस किस चीज के लिए आभारी मान रहे हैं. इफ यदि आई वेयर एन ऑक्टोपस, यदि मैं एक ऑक्टोपस होता, आई वुड बी थैंकफुल, मैं आभारी रहूँगा. फॉर माई 8 arms, मैं अपनी 8 भुजाओं के लिए. ऑक्टोपस की कितने भुजाएं होती है? 8. अपने पास कितनी होती है? ओनली फॉर 2. कितनी होती है? ओनली फॉर 2. लेकिन ऑक्टोपस के पास 8 भुजाएं होती है, जिससे वो क्या कर सकता है? समुद्र में रहता है तो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाने के लिए वो क्या है, अलग अलग अपनी भुजाओं का इस्तेमाल करके फटाफट पकड़ सकता है. अपने पास 8 hands होते तो हम भी अपना जैसे होमवर्क है, कोई भी काम है, तो फटाफट कर सकते हैं ना ऑक्टोपस की तरह. इसलिए ऑक्टोपस कह रहा है मैं भी आभारी रहूँगा मेरी किसको, 8 भुजाओं के लिए. ठीक है. सो आई जस्ट थिंक, है ना, आई एम लकी, इसीलिए मैं क्या समझता हूँ, मैं लकी हूँ. टू बी मी, नॉट यू बट मी, तुम नहीं पर मैं. ओके. व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू बी, आप क्या बनना चाहते हो? इनमें से अगर आप विश मांगते हो भगवान जी से तो आप क्या बनना चाहते हो? आप बटरफ्लाई बनना चाहते हो, फिश बनना चाहते हो, मैना बनना चाहते हो, एलिफेंट बनना चाहते हो, ऑक्टोपस बनना चाहते हो, या कंगारू बनना चाहते हो? डू यू वांट टू बी लाइक मी, जिसको आप लाइक करते हो वो आप बन सकते हो, और जस्ट यू, जस्ट यू. ओके. तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, पोयम कंप्लीट होती है. आपको ये होमवर्क दिया जाता है, यहाँ पर बटरफ्लाई, फिश, मैना, एलिफेंट और ऑक्टोपस की स्पेलिंग दी गई है, है ना, जिसको आपको क्या करना है, 2-2 times अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है. ओके. इसमें हार्ड वर्ड्स जो होंगे वो भी मैं आपको राइट डाउन कराऊंगी, आपको वो अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है, वो आपका होमवर्क रहेगा. देखिए न्यू वर्ड यहाँ पर क्या है, बटरफ्लाई. आपको पता है बटरफ्लाई मीन्स क्या होती है? तितली. मैना, मैना. फिश, मछली. कंगारू, कंगारू. ऑक्टोपस मीन्स ऑक्टोपस. ओके. तो यहाँ पर आपका Part 1 Unit 2 का कंप्लीट होता है. आपको भी इस पोयम को अच्छे से लर्न करना है. थैंक यू.